तो बेसिकली जब भी हम लोग वेबसाइट डिजाइनिंग मतलब वेबसाइट डिजाइन क्या जैसे कि आपको वेब डेवलपमेंट पे काम करना है या एज ए वेबसाइट डेवलपर काम कर रहे हैं करना है, तो इसमें वेबसाइट डेवलपमेंट में काम करने के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजीज है। एक्चुअली लगभग 5 टेक्नोलॉजी के साथ जब काम करते हैं हम लोग तभी जाके एक वेबसाइट डेवलपर बन सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट डेवलपर बनने के लिए कम से कम 5 टेक्नोलॉजी की नॉलेज होना चाहिए तब जाके आप एक वेबसाइट डेवलपर बन सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ की नॉलेज होना चाहिए? पहला नॉलेज है HTML, CSS, JavaScript, ये तीनों चीज़ की नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ आपका एक सर्वर साइड लैंग्वेज, वो JS हो सकता है या दूसरा किसी लैंग्वेज हो सकता है, और इसके साथ होता है एक डेटाबेस। ये 5ों चीज़ के ऊपर आपका अगर नॉलेज है तब जाके आप एक वेबसाइट डेवलपर बन सकते हैं। तो अभी ये वेबसाइट डेवलपर बनने के लिए आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किसी भी जगह पे अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, आपका पहला जो स्टार्टिंग होना चाहिए बेसिकली पहले जो आपका जो भी काम पे आने वाला है वो है वेबसाइट डिजाइनिंग एज ए वेबसाइट डेवलपर। को क्योंकि वेबसाइट डेवलपर में आपको ऐसा कोई भी मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी जो पर्सन है जो फुल स्टैक डेवलपमेंट करना चाहते हैं या फुल स्टैक डेवलपमेंट में आना चाहते हैं तो उन लोगों को डेफिनेटली वेबसाइट डिजाइनिंग का नॉलेज काफ़ी अच्छे से होना चाहिए। तो तब जाके वेबसाइट डिजाइनिंग का वेबसाइट डेवलपर बनना आसान होता है। अदरवाइज क्या होता है, आपको वेबसाइट डेवलपर अगर बन भी जाते हो किसी दूसरे तरीके से, मतलब बेसिकली कैसे होता है, वेबसाइट डेवलपर काम करते हैं मतलब वेबसाइट डेवलपर नहीं बोल सकते उसको, बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर। सॉफ्टवेयर डेवलपर कई तरीके का काम करता है। कुछ होता है जो बैकएंड के लिए ज़्यादातर काम करते हैं, उन लोगों का ज़्यादा फ्रंट एंड के लिए इंटरेक्शंस या उसका काम बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता, जैसे कि .NET डेवलपर होता है, जावा डेवलपर होता है, तो ऐसे बहुत सारे डेवलपर हुए जिन जिन लोगों को जावा के ऊपर नॉलेज आता है, .NET के ऊपर नॉलेज है, उधर कुछ फ्रेमवर्क कुछ स्ट्रक्चर दे दिया जाता है उसके ऊपर काम करके कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं। बट बेसिकली उसमें जब वेबसाइट डेवलपमेंट की बात आता है तो वो लोग क्या करते हैं, वेबसाइट डिजाइनर को पास से टेम्पलेट लेते हैं, उसी टेम्पलेट को किसी तरीके से सेट करके अपना वेबसाइट बनाते हैं या सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करते हैं। उसमें क्या होता है, कंप्लीट नॉलेज नहीं होता है, कहीं ना कहीं जाकर फंस जाते हैं वो लोग। तो इसीलिए जब आप फ्रॉम स्क्रैच नॉलेज लेना ही चाहते थे तो मैंने आपको बोला था कि वेबसाइट डिजाइन से स्टार्ट करना अच्छा होगा, तो आप ज्वाइन भी कर चुके। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि वेबसाइट डिजाइनिंग तो बेसिकली क्या पर्पस है वो आप जान चुके हैं आज का क्लास 1। तो यहाँ पे मेनली जब भी हम लोग वेबसाइट डिजाइन स्टार्ट करते हैं उसके लिए HTML जो फाइल है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिकली क्यों, HTML का फुल फॉर्म आपको पता होगा शायद, हाँ जी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है इसका एक्चुअली पर्पस क्या है और इसका बिहेवियर क्या है? आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, मुझे थोड़ा सा सही से नहीं पता। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है HTML का, ये सही है। इसका एक्चुअल पर्पस और इसका बिहेवियर है कि जब भी हम लोग किसी भी वेबसाइट जब लॉन्च करते हैं किसी सर्वर के अंदर, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि ये जो फोल्डर है क्लास 1 ये फोल्डर है सर्वर का पाथ। सर्वर में एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग कोई भी वेबसाइट देखते हैं, अगर आप मेरे वेबसाइट देखे होगे swedemno.com या किसी का भी वेबसाइट देखे होगे, तो जो भी साइट आप देखते हैं उसका पहला पेज जो आता है, पहला जो पेज ओपन होकर आपके ब्राउजर पे जो दिखता है वो होता है इंडेक्स पेज। ठीक है, और .html जो है वो बेसिकली उसका एक्सटेंशन है। index.html जो है ये बेसिकली क्या है, एक सर्वर साइड एनवायरनमेंट के लिए एक डिफॉल्ट पेज होता है, जो बेसिकली अगर आप कोई भी .com करें या .in ओपन करें, जो भी डोमेन आप ओपन करेंगे उसका पहला पेज यही ओपन होने वाला है इंडेक्स। ओके, तभी जाके आपका आगे की जितनी भी जो चीज़ें चाहिए वो उसके बाद आता है, पहले आपको आएगा index.html। और HTML बेसिकली क्या है, HTML मेनली एक
टाइप ऑफ लैंग्वेज जिसमें कुछ सिंटैक्सेस रहता है, जो सिंटैक्सेस बेसिकली सपोर्ट करता है ब्राउजर के अंदर, ठीक है। ये एक्चुअली सर्वर साइड का पार्ट नहीं है, ये एक्चुअली ब्राउजर का पार्ट है। जो ब्राउजर्स है, ब्राउजर्स क्या है पता है? हाँ, जो वेब पेज को रेंडर करके हमें दिखाते हैं। तो ब्राउजर बेसिकली क्या है, गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, उसके बाद फायरफॉक्स है, सफारी है। तो ये बहुत सारा जो सॉफ्टवेयर है ये एक्चुअली ब्राउजर है, बेसिकली जो भी ब्राउजर है वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जब भी कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हैं वो एक्चुअली एक सर्वर साइड से कुछ फाइल लोड करते अपने लोकल सिस्टम पे, जो HTML फाइल होता है उस फाइल को लोड करने के बाद ऑटोमेटिकली वो ब्राउजर HTML पेज को, जो इंडेक्स.html HTML पेज होता है उसको ऑटोमेटिकली रेंडर करता है, जो जिसके बारे में ब्राउजर को पता होता है कि कौन सी कोड में क्या चीज आने वाली। उसके लिए हम लोगों के पास HTML का HTML का बहुत सारा वर्सन है, जिसके अंदर आज के डेट में हम लोग यहाँ पे डॉक टाइप HTML ओनली देखते हैं। पहले क्या होता था, HTML 1, HTML 2 ऐसे करके बहुत सारा HTML फॉर्मेट यहाँ पे रहता था, उसका अलग अलग प्रोसेस भी दिखाता था। तो अभी के डेट में ये 2014 के बाद से ये HTML हो गया, मतलब बेसिकली क्या, HTML 5 उसी टाइम पे लॉन्च हुआ था 2014 में, उसके बाद से HTML का वर्सन और कुछ अपडेट्स नहीं निकलेगा, ऐसे हिसाब से ये लोग थोड़ा सा इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया कि HTML बेसिकली एक ऐसा सिंटेक्स बन चुका है कि इसके आगे और हम लोग किसी भी तरीके का कुछ अपडेट्स डालेंगे नहीं। तो इसी वजह से HTML 5 जो आएगा ये कंप्लीट स्टैंडर्ड सिंटेक्स है, और ये जो सिंटेक्स हम लोग देखते हैं XML, मतलब ये जो सिंटेक्स देखते हैं ये सिंटेक्स का जो पैटर्न है ये बेसिकली XML से मैच करता है। XML जो है, XML बेसिकली है एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज बेसिकली क्या करता है, वो मेनली जब हम लोग किसी भी डेटा के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में, तब हम लोग कुछ कुछ जो नोड्स होता है, मतलब ये जो एलिमेंट है, ये जो सिंटेक्स है HTML यहाँ पे लिखा हुआ और उसका एंडिंग यहाँ पे, तो ये इसको बोलते हैं एक एक नोड। तो ये जो नोड है, इस नोड पे क्या है, हम लोग अगर कुछ भी डेटा पुट करते तो उस डेटा को हम लोग मोनिटर करना या उसके ऊपर डेटा को मैनेज करना प्रोग्रामिंगली बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, जिसके वजह से ये XML का ही एक पार्ट है। बट XML का पार्ट जो है उसमें किसी भी तरीके का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आप अपने हिसाब से आप कर सकते हो, लिख सकते हो, मैं अपने हिसाब से लिख सकता हूँ, दूसरा कोई डेवलपर दूसरे वो अपने हिसाब से लिख सकते हैं XML को अपने सिस्टम पे मॉडिफाई करने के लिए। तो इसीलिए XML का कोई एग्जैक्ट कोई फॉर्मेट नहीं है, बट HTML में कुछ एग्जैक्ट फॉर्मेट है, जिस एग्जैक्ट फॉर्मेट को हर एक ब्राउजर्स को मानना पड़ेगा, और इसी चीज को मानने के लिए एक फाउंडेशन बनाया गया है इसको मैनेज करने के लिए, जिसका नाम है W3C। W3C, ये W3C.org जो इसका मेन फुल फॉर्म है www या वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ओके। तो ये जो है ये बेसिकली क्या करता है, जितने भी HTML का जो सिंटैक्स है इसको क्या है, किसको किस तरीके से दिखाना है, किस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन ब्राउजर में रखना है, इसका आउटपुट क्या होना है, ये कम्प्लीटली इसका स्टैंडर्डाइजेशन ये लोग हैंडल करते हैं। तो इसी के डॉक्यूमेंटेशन, मतलब यहाँ पे एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन दिया जाता है कि एक प्रपोजल सबमिट होता है बहुत सारे डेवलपर्स के थ्रू या बड़ा बड़ा जो टेक कंपनी है उनके थ्रू ये प्रपोजल यहाँ पे सबमिट किया जाता है, उसी प्रपोजल के हिसाब से जो सिंटेक्स पास होता है उसी सिंटेक्स को जो स्टैंडर्ड होता है वो सारा ब्राउजर, जितने भी ब्राउजर होगा आज के डेट में सारा ब्राउजर वही स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा, अगर नहीं फॉलो करेगा तो ब्राउजर नहीं रहेगा, समझ आ गया? जी समझ। तो इसी तरीके से ये जो HTML सिंटेक्स है
ये एक्चुअली XML सिंटेक्स का ही एक पार्ट है, बट यहाँ पे XML सिंटेक्स का पार्ट होने के बावजूद भी यहाँ पे हर एक जो सिंटेक्स है HTML का, इस हर एक सिंटेक्स का कोई ना कोई इसका आउटपुट हम लोगों को ब्राउजर के अंदर दिखता है। अगर हम लोग टाइटल दिखता है, मतलब टाइटल टैग अगर यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली इस टाइटल टैग को जब हम लोग ब्राउजर में ओपन करेंगे, तो यहाँ पे ये टाइटल में लिखा हुआ जो भी नेम होगा, मतलब जो भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, वो यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, दिखा। तो यहाँ पे टाइटल टैग बेसिकली एक XML का ही नोड है, बट इस टाइटल टैग का एक्चुअल क्या पर्पस है और किस वजह से इसको यूज करना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी ब्राउजर के ऊपर डिटेलिंग दिया हुआ है, मतलब W3C कंसोर्टियम में ऑलरेडी पास हुआ है कि ये एक्चुअली क्या काम करने वाला है। उसके हिसाब से ये एक्चुअली एक टैग बना, और उसी टैग का डॉक्यूमेंटेशन अगर हम लोग देखना चाहते हैं, तो इसका दो तीन साइट है जो एज ए बिगिनर आप फॉलो कर सकते हो इसको पढ़ने के लिए। पहला जो साइट है बहुत ही आसान और सिंपल वाला साइट है, वो है W3Schools.com, शायद इसके बारे में पता है आपको, है ना। तो W3Schools जो है ये साइट है एक्चुअली प्राइमरी साइट है, जिसमें जो भी डेट मतलब जो भी सिंटैक्सेस की जरूरत है या जो भी नॉलेज की जरूरत है प्राइमरीली, यहाँ पे सारे सिंटैक्सेस आपको मिल जाएगा। बट मैंने जो काम करता हूँ, मैंने सिंटैक्स लाइन बाय लाइन पढ़ाता नहीं हूँ, और सारे सिंटैक्स पढ़ने के कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि सारे सिंटैक्स पढ़ के कोई भी कुछ काम नहीं कर पाएगा। हाँ, जितना जरूरत है उतना अगर आपको आता है, बाकी के अगर कोई सिंटैक्स छूट भी जाता है तो उसका उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे जाके उसको भी समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको काम करना नहीं आता है, आप जितना भी सिंटैक्सेस पढ़ लो, वो सिंटैक्सेस का उस काम का नहीं है। ओके जी, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, सिंटैक्सेस का जो लाइब्रेरीज है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जब आप कुछ भी सिंटैक्स लिख रहे हो, तो इस सिंटैक्स का मीनिंग क्या है, यहाँ पे MDN रेफरेंस बोलकर ये ऑप्शन है। MDN रेफरेंस मतलब ये मोजिला फायरफॉक्स का डॉक्यूमेंटेशन साइट है, ठीक है। ये मोजिला .org ये एक फाउंडेशन है, जिसके अंदर हम लोगों को इस पर्टिकुलर जो सिंटेक्स है, इस सिंटेक्स इस तरीके से काम करेगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसके लिए एट्रीब्यूट क्या क्या होना चाहिए, उसका पर्पस क्या है, सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एज ए डॉक्यूमेंटेड वे में, और कौन कौन सी ब्राउजर में ये सपोर्ट मिलेगा इस पर्टिकुलर टैग का, ठीक है। बहुत ही सिंपल से प्रोसेस में बता रहा हूँ, समझ आ रहा है HTML जी, जी, क्या काम कर रहा है। अगर आपको बोर लगता है तो आप बोलिएगा, अभी तक ठीक है, क्योंकि बेसिकली मैंने बहुत बेसिक सा चीज़ बता रहा हूँ, बट थोड़ा सा नॉलेज एनहेंस करने के लिए ये बात कर रहा हूँ कि कौन सा चीज़ का क्यों यूज़ हुआ है उसके बारे में बताना थोड़ा सा जरूरी है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो HTML का जो टाइटल टैग है, इस टाइटल टैग के बाद यहाँ पे हम लोग कुछ टैग देख रहे हैं, उसका पार्ट ये है कि HTML बोलकर ये ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पे लैंग दिया हुआ जो कि EN बोल रहा है, मतलब बेसिकली हम लोग जो पेज यहाँ पे डिजाइन करने वाले उसका प्राइमरी लैंग्वेज जो होने वाला है वो इंग्लिश होगा, ठीक है, वो प्राइमरी लैंग्वेज होगा इंग्लिश। तो जब भी हम लोग ये ब्राउजर में अगर कुछ देख रहे हैं, तो ये डेफिनेटली इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, और इंग्लिश लैंग्वेज जो है बेसिकली हम लोगों का जो सिस्टम होता है, अभी थोड़ा सा मैं सिस्टम लेवल का आर्किटेक्चर थोड़ा सा बताऊंगा। सिस्टम लेवल का आर्किटेक्चर में क्या होता है, सिस्टम बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम हो या जो भी सिस्टम हो, जनरली वो जीरो और वन को समझता है। अगर आपको थोड़ा सा मशीन के बारे में पता हो तो बाइनरी का सुना हुआ मैंने, बाइनरी का मैंने पढ़ा हुआ थोड़ा, कौन सा बाइनरी का जो कॉन्सेप्ट है जीरो वन का, वो मेरा पढ़ा हुआ बाइनरी कॉन्सेप्ट है, जीरो वन ठीक हो गया, बाइनरी बाइनरी अच्छा आप क्या नाम बोल रहे थे वो मत पता नहीं चल रहा था, आप अच्छा, क्या बोल रहे थे, मैं भी बाइनरी बोल रहा था एक्चुअली, मे बी मेरे प्रेजेंटेशन, नहीं 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 आप शायद
स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे, आप थोड़ा सा उसका स्पेल कर सकते स्पेल, मतलब जो आप बोल रहे थे उसका स्पेलिंग कर सकते That is B-I-N-A-R-Y. B-I-N-A-R-Y. N-A-R-Y. Binary. आपका स्पेलिंग, आप जिस तरीके से बात कर रहे थे, मतलब जो बोल रहे थे, बाइनरी या मतलब थोड़ा सा दूसरे तरीके से कुछ साउंड कर रहा था. ओके. जो मुझे सही नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने दो तीन बार पूछा. ओके. इसका होगा बाइनरी, बी बी आई एन ए आर वाई, बाई बी आई से बाई एन ए आर वाई, बाइनरी. ओके. पता नहीं आपका थोड़ा सा साउंड दूसरा लग रहा था, इसलिए मैंने. तो बाइनरी सिस्टम जो है, बाइनरी सिस्टम बेसिकली, बाइनरी एक नंबर सिस्टम है जिसमें जीरो और वन रहता है, एक्चुअली मशीन को समझने के लिए या मशीन को समझाने के लिए. तो इसी जगह पे बहुत सिंपल सा मशीन होता है, लाइट, लाइट टीवी, टीवी नहीं बोल सकते, लाइट बोल सकते, फैन बोल सकते. ये बेसिकली बहुत सिंपल मशीन में पड़ता है, सिंपल मशीन जिसका मेन काम है ऑन एंड ऑफ. ऑन करते हैं तो चलता है, ऑफ करते हैं तो बंद हो जाता है. इसका एक स्विच का काम है. बट जब हम लोग कॉम्प्लेक्स मशीन को लेकर काम करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स मशीन बेसिकली क्या करता है, डेटा फ्लो करता है. और कॉम्प्लेक्स मशीन जब डेटा फ्लो करता है, तो उसी बाइनरी को, मतलब वन जीरो को, एक एक पैकेट बना के, मतलब एक एक पैकेट, मतलब बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए कि ये एक्चुअली पैकेट है जिसके अंदर जीरो वन वन जीरो जीरो टू तो नहीं जाएगा, वन ऐसे करके ये एक पैकेट बन गया. ठीक है. तो इस पैकेट में कुछ नंबर है, ऐसे ही दूसरा एक पैकेट बनेगा, तो ऐसे करके कुछ पैकेट्स जाएगा, जिस पैकेट्स के अंदर बेसिकली एक एक सिंटैक्स या एक एक कैरेक्टर का मीनिंग रहता है जो मशीन समझता है. तो इसी जो नंबर सिस्टम है, इस तरीके का नंबर सिस्टम को एक साथ मिला के, मतलब बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे चार डिजिट को मिला के, पहले दो डिजिट को मिला के एक बिट बनता है, ऐसे ही चार डिजिट को मिला के एक बाइट बनता है, ऐसे ही नंबर सिस्टम बनता है. तो उसके बाद आठ बिट मिला के एक बाइट होता है, ऐसे करके एक्चुअली बाइट बाइट मेगाबाइट सॉरी बाइट किलोबाइट मेगाबाइट टेराबाइट गीगाबाइट गीगाबाइट टेराबाइट ऐसा बाइट है, जो कि इसी तरीके से नंबर सिस्टम को यूज करके पूरा बाइट कॉन्सेप्ट आया है. तो ये जो बाइट कॉन्सेप्ट है, इसी बाइट कॉन्सेप्ट में बेसिकली क्या है, ये जो बाइनरी नंबर है, ये बाइनरी नंबर ओनली समझता है कंप्यूटर, कंप्यूटर या एकदम प्रोसेसर जो होता है वो ये नंबर को समझता है. बट हम लोग जब इसको पुट करते हैं, तो एकदम जो बाइनरी सिस्टम है उसमें डायरेक्टली हम लोग कुछ भी पुट अगर करना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है. हाँ, अगर हम लोग कुछ एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, तो तब वन और जीरो चला के काम हो जाता है कुछ हद तक. बट अगर हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स मैसेज करना चाहते हैं या कुछ भी डेटा डालना चाहते हैं, तो उस टाइम के लिए मेनली प्रॉब्लम होता है कि थोड़ा सा हम लोग उसको डेटा जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ता है अपने हिसाब से, मतलब ह्यूमन जितना जिस तरीके से समझ पाते हैं. तो उसके हिसाब से और कुछ नंबर सिस्टम आता है, एक होता है ऑक्टल, ऑक्टल उसके बाद डेसिमल, सी आई एम एल डेसिमल, एंड उसके बाद आता है हेक्साडेसिमल. ये एक्चुअली है, तो पहला जो है बाइनरी, बाइनरी उसके बाद आता है ऑक्टल, उसके बाद आता है डेसिमल, उसके बाद आता है हेक्साडेसिमल. ये चारों जो नंबर है, ये चारों नंबर सिस्टम जो है, ये चारों नंबर सिस्टम बेसिकली समझता है प्रोसेसर. ये चारों नंबर सिस्टम क्या है, इसका डिटेल्स में अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है एज ए वेबसाइट डिजाइनर के लिए. बट हेक्साडेसिमल एक्चुअली ज़रूरत है, क्योंकि हेक्साडेसिमल से हम लोगों का जो भी वेबसाइट का जो कलर दिखता है, वो हेक्साडेसिमल के रिफ्लेक्शन में एक्चुअली
तो इसीलिए हेक्साडेसिमल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है वेबसाइट डिजाइनर के लिए, बाकी जो नंबर सिस्टम है उतना जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके तो अभी इसके बाद जब हम लोग वेबसाइट डिजाइनिंग करते हैं तो वेबसाइट डिजाइनिंग में दो चीज हम लोग को जरूरत पड़ता है, एक होता है टैग या एलिमेंट। तो यहाँ पे जो भी एचटीएमएल सिंटैक्स जो लिखा उस एचटीएमएल सिंटैक्स का स्टार्टिंग टैग है और एंडिंग टैग है, हेड का भी स्टार्टिंग टैग है एंडिंग टैग है, बॉडी का भी स्टार्टिंग टैग है एंडिंग टैग है, H1 टैग का भी स्टार्टिंग है एंडिंग है। तो बेसिकली जब भी हम लोग कोई भी एचटीएमएल टैग बनाते हैं तो उसका डेफिनेटली हम लोग एक एंडिंग टैग भी साथ ही साथ दिखने में मिलता है, और उसके अंदर जो भी डेटा रहता है उसको बोलते हैं कॉन्टेंट्स। ओके, मतलब पहले हम लोगों को मानता है टैग और एलिमेंट कुछ भी बोल सकते हैं, और उसके अंदर क्या रहता है कॉन्टेंट्स रहते हैं, तो उसके अंदर रहता है कॉन्टेंट्स। तो अभी कॉन्टेंट्स के कॉन्टेंट्स रहता है, ये पार्ट क्लियर है। उसके बाद देखिए मैंने बोला यहाँ पे बहुत सारा टैग है, बट आप तो कुछ क्वेश्चन किए नहीं कि यहाँ पे मेटा बोलकर क्या है, मेटा बोलकर क्या है, अगर ये टैग है तो मेटा क्या है, क्योंकि इसका तो एंडिंग टैग नहीं। इट्स अ मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा, लाइक जैसे इसमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि हमें दिख नहीं रही है, बट सिस्टम को चाहिए होती है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए, डेटा अबाउट डेटा, इज इट करेक्ट? वो तो बात के बात है कि कुछ सिस्टम है जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे वो सिस्टम समझेंगे, बट ये एक्चुअली एचटीएमएल में क्या है, एचटीएमएल में इसका एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें हम लोग लिख रहे हैं वो सारा ही चीज सिस्टम को इंफॉर्मेशन ही दे रहे हैं, बॉडी भी सिस्टम को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, H1 टैग भी सिस्टम को इंफॉर्मेशन दे रहा है, HTML भी सिस्टम को इंफॉर्मेशन दे रहा है, HTML भी सिस्टम को इंफॉर्मेशन दे रहा है, मेटा भी दे रहा है। तो कुछ नया चीज है नहीं कि ये नहीं दे रहा है ये दे रहा है, ऐसा नहीं, हर कोई दे रहा है। जैसे मैं उसको देख पा रहा हूँ कैरेक्टर्स UTF-8 है, तो मे बी इज रिलेटेड टू फ्रंट एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक, एंड नेम में व्यू पोर्ट आया था, कंटेंट में डिवाइस विड्थ उसकी जो आया था, सो एक्चुअली क्या है कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा नहीं करने देता हूँ क्योंकि नहीं तो दिमाग घूम जाएगा। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे मेटा जो टैग है, मेटा एक्चुअली टैग है, ठीक है, टैग और एलिमेंट जो एचटीएमएल का एक पार्ट है, ठीक है, बट ये एक स्पेशल टाइप का टैग है जिसका एंडिंग की जरूरत पड़ता है। तो इसीलिए क्या है इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग भी कभी कभी बोल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब हम लोग रिएक्ट जेएस में काम करते तो ये अगर टैग कहीं पे बैठा हुआ है और इसका सेल्फ क्लोजिंग नहीं पड़ेगा तो प्रॉब्लम आता है। पहले एक्चुअली एचटीएमएल 5 से पहले जो भी सिंटैक्स होता था उसमें ऐसे लिखना पड़ता था, बट एचटीएमएल 5 में बोला कि जो नहीं है वो उसको रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग वाला टैग कुछ रख दो, एंडिंग छोड़ दो, उसको रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए क्या है इसीलिए इसका एंडिंग टैग अभी दिखता नहीं है, नहीं तो इसको एक क्वेश्चन आ गया था मेरे, मैं देख रहा हूँ कि कुछ कुछ टैग में एक स्लैश लगा हुआ है, तो ये स्लैश स्टार्टिंग के लिए होता है कि एंडिंग के लिए होता है? ऐसा एक है, ठीक है, ये बैक स्लैश जो लगा है, बैक स्लैश नहीं फ्रंट स्लैश लगा, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ, आई एम सॉरी, ठीक है। उसके बाद आप अगर यहाँ पे या फिर मैं अपना नाम, मैंने नोटिस किया ये मेटा वाले के अंदर नहीं है, दिखाता हूँ क्या कहाँ पे क्या क्या टैग आपको दिखता है इस तरीके का, वो मैं दिखाता हूँ। ये कुछ टैग है जिसके अंदर आपको फ्रंट स्लैश दिखेगा, जिसके अंदर आपको फ्रंट स्लैश दिखेगा और इसका क्या आउटपुट खुद भी देख लीजिए। ओके तो बेसिकली क्या है एचआर जो है ये बेसिकली ये लाइन ड्रॉ कर रहा है,
ठीक है। बियर जो टैग है बेसिकली ये एक्चुअली एक लाइन में रहना था, ब्रेक कर रहा है अभी, एक लाइन में था जिसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये एक लाइन का चीज ये ब्रेक कर दिया। उसके बाद ये इमेज जो टैग है यहाँ पे एक्चुअली इमेज सोर्स नहीं था प्रॉपरली, तो इसलिए यहाँ पे इमेज तो दिखा नहीं, बट यहाँ पे ऑल्ट बोलकर जो यहाँ पे नेम दिया हुआ है वही यहाँ पे दिख रहा है, बट ये भी क्लोजिंग टैग है। तो इसी को बोलते हैं, ये जो पार्ट है इस पार्ट को बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। ओके, इसको बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है, जो खुद ब खुद को क्लोज कर रहे हैं। वैसे अगर हम लोग इसको अगर इस तरीके छोड़ भी देते हैं, अगर छोड़ भी देते हैं आज के डेट में, तो भी कोई दिक्कत नहीं आता है। देखिए मैंने छोड़ दिया, मतलब फ्रंट स्लैश मैंने यहाँ पे लगाया नहीं, तब पर काम चल, क्योंकि HTML5 में सेल्फ क्लोजिंग टैग बिना लिखे भी सेल्फ क्लोजिंग टैग का जो भी काम है वो हो जाता है। तो जैसे मेटा में नहीं था लेकिन वो अपने आप ही उसको पता चल गया सेल्फ अपने आप, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ओके, जिसके वजह से क्या हुआ यहाँ पे आपको फ्रंट स्लैश नहीं दिख रहा, बट ये तब प्रॉब्लम करता है जब इस सेम लैंग्वेज सेम चीज को अगर हम लोग रिएक्ट में जंप काम करना चाहते हैं उस टाइम पे, या किसी किसी सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क के अंदर कभी कभी क्या होता है इस तरीके से अगर टैग एंड करते हैं तो उधर जाके प्रॉब्लम हो सकता है, तब क्या करना पड़ता है उसको स्किप करने के लिए, उसको हटाने के लिए हम लोग को फ्रंट स्लैश लगाना पड़ता है, जिससे क्या है उसको पता बोल दिया जाता है कि इसको एंडिंग टैग नहीं है, ये सेल्फ क्लोजिंग ही है, ये अपने आप में खत्म है। ओके, ठीक है, तो इसलिए ये सेल्फ क्लोजिंग जो पार्ट है ये एक्चुअली पहले होता था HTML4 में होता था, बट अभी HTML5 जब से आया है तब से इस सेल्फ क्लोजिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये लगभग खत्म ही हो चुका है। ओके, ठीक है, तो इसी वजह से ये सेल्फ क्लोजिंग वाला जो टैग का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ रह गया कुछ कुछ चीज के वजह से, अदरवाइज अगर हम लोग यहाँ पे अगर कोई एंडिंग टैग नहीं दिखता है तो इसको बोल सकते कि ये सेल्फ क्लोजर टैग है। ठीक है, okay. इस टैग के बारे में समझ आ गया? जी समझ में आ गया। ओके, अभी हम लोग बात करते हैं कि मेटा टैग के अंदर ये जो कैरसेट यूटीएफ जो है या मेटा टैग नेम व्यूपोर्ट जो है इसका जो दिख रहा है ये एक्चुअली क्या है वो मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे जब भी हम लोग कुछ भी सिंटैक्सेस यूज करते हैं, मतलब यहाँ पे जो भी हम लोग लिखे हैं डिजिट में मतलब बेसिकली जो भी हम लोग कैरेक्टर लिखे हैं, तो ये जो कैरेक्टर्स है ये कैरेक्टर्स बेसिकली क्या है एक यूनिवर्सल कैरेक्टर फॉन्ट सिस्टम जो बेसिकली हम लोग एक बाइनरी सिस्टम के ऊपर एक नंबर को रजिस्टर कराया हुआ है। ठीक है, मतलब बेसिकली हम लोग तो एक सिंबल जो देखते हैं वो बेसिकली हम लोग का ह्यूमन लेवल अंडरस्टैंडिंग वाला सिंबल है, लेकिन उस पर्टिकुलर सिंबल को कौन सी नंबर पे या कौन सी वे पे हम लोग उसको जान पाएंगे उसका जो स्टैंडर्डाइजेशन जो मेंटेन किया हुआ है वो है UTF, मतलब यूनिवर्सल टाइप फॉन्ट्स नंबर 8 वर्सन्स का स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है कैरेक्टर सेट, ये जो चार सेट बोलते हैं, कोई कोई बोलते हैं चार सेट, कोई कोई एक्चुअली इसका नाम तो है कैरेक्टर सेट कैरेक्टर एन्कोडिंग जो बेसिकली स्टैंडर्ड IANAMIME नेम फॉर कैरेक्टर एन्कोडिंग्स। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन का पास ये सारा डेटा सेट है, इसमें कुछ इस तरीके का सिंटैक्सेस का ऑप्शन है जिसके वजह से यहाँ पे जो भी सिंटैक्सेस हम लोग जो भी कैरेक्टर्स हम लोग लिख रहे हैं उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है उसका आउटकम क्या है वो बेसिकली इसी फॉर्मेट के थ्रू ब्राउजर्स को पता होता है। वैसे ये भी नहीं है कि अगर हम लोग इस पर्टिकुलर इस चीज़ को अगर नहीं लिखते तो ब्राउजर समझेगा नहीं, ब्राउजर को अपने आप समझ जाएगा क्योंकि कुछ डिफॉल्ट्स तो ऑलरेडी ब्राउजर को दिया हुआ है आप अगर कुछ, तो इसीलिए ब्राउजर का कुछ डिफॉल्ट्स
ब्राउजर को खुद से सेट कर लेते हैं, और खुद से अगर हम लोग दे देते हैं तो डेफिनेटली वो समझ जाते हैं कि मुझे इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। दूसरा चीज व्यूपोर्ट, व्यूपोर्ट जो बेसिकली क्या करता है, व्यूपोर्ट बेसिकली ब्राउजर को मॉनिटर करने का ऑप्शन से इसी पर्टिकुलर टैग नेम से। ओके, व्यूपोर्ट बेसिकली ब्राउजर का मॉनिटरिंग सिस्टम है, मतलब बेसिकली हम लोगों का जो ब्राउजर है ये ब्राउजर डेस्कटॉप में खुला हुआ है, लैपटॉप में खुला हुआ है, मोबाइल में खुला हुआ है, कहाँ खुला हुआ है उसको मॉनिटर करने के लिए ये व्यूपोर्ट वाला जो ऑप्शन है बेसिकली काम करता है एक एचटीएमएल के अंदर, ठीक है। और इस व्यूपोर्ट के और एक पर्पस ये है कि जब भी वो एक तो पहला काम है मॉनिटर किया, दूसरा पार्ट जो है विड इक्वल टू डिवाइस विड, मतलब बेसिकली क्या होता है जब हम लोग इसको छोड़ के, मतलब मैंने इस लाइन को थोड़ा सा कमेंट आउट करता हूँ तब आपको पता चलेगा कि मैंने जब इसको छोटा करता हूँ अभी तो कुछ आपको ज़्यादा फर्क नहीं दिखा। जब हम लोग कुछ वेबसाइट डिजाइन करते थे, मतलब मैं इसको ट्राई करता हूँ कि इसको छोटा करके दिखाना, देखिए यहाँ पे मैं छोटा कर दिया, ठीक है, देखिए छोटा कर, देखिए टेक्स्ट भी छोटा होता जा रहा है, तो ये टेक्स्ट छोटा होता जा रहा है, मतलब बेसिकली क्या है हम लोग का जो साइज साइड जो है वो बेसिकली जैसे ही हम लोग का स्क्रीन साइज छोटा होता जा रहा है पूरा टेक्स्ट पूरा उसका जो कॉन्टेंट है कंप्लीटली छोटा होता जा रहा है, ठीक है। और जब बड़ा करते जा रहा हूँ तो ये बड़ा होता जा रहा है टेक्स्ट भी, ठीक है। बट इस लाइन को जब भी हम लोग ओपन कर देते हैं तब क्या करते हैं HTML हर एक कंपोनेंट का, मतलब HTML टेक्स्ट का खास करके एक स्टैंडर्ड साइज मेंटेन करता है जब भी डिवाइस छोटा हो जाता है। तो देखिए ओके फॉन्ट छोटा नहीं हुआ है ज़्यादा, लेकिन स्क्रीन छोटा होने की वजह से वो ब्रेक कर गई। ओके, तो ये एक्चुअली रेस्पॉन्सिव जो डिजाइन हम अगर सुने होंगे तो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन करने के लिए ये पर्टिकुलर जो टैग है ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है रेस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन करने के लिए, क्योंकि रेस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन मतलब हम लोगों का जो रीडेबल टेक्स्ट जो है, रीडेबल टेक्स्ट ज़्यादा छोटा होना नहीं चाहिए, चाहे वो मोबाइल डिवाइस में जाए चाहे वो डेस्कटॉप डिवाइस में जाए, तो इसीलिए रीडेबल जो टेक्स्ट है रीडेबल टेक्स्ट का साइज एडजस्ट रहेगा, डिवाइस अगर छोटा होगा तो वो ब्रेक करेगा या नया लाइन क्रिएट करेगा, लेकिन टेक्स्ट रीडेबिलिटी से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो इसी वजह से क्या है हर एक अलग अलग डिवाइस का अलग अलग डिवाइस स्पेसिफिक पिक्सल होता है जिसमें हम लोग डिवाइस स्पेसिफिक पिक्सल भी हम लोग कभी कभी यूज कर सकते हैं। जनरली हम लोग जब पिक्सल यूज करते थे मतलब फॉन्ट साइज के लिए पीएक्स करके, बट अगर हम लोग डिवाइस पिक्सल यूज करते हैं तो डीपीएक्स बोलकर एक ऑप्शन रहता है, जो डिवाइस पर पिक्सल या डिवाइस पिक्सल बोलकर भी एक ऑप्शन रहता है, डिवाइस पिक्सल या एसपीएक्स स्पेशल टाइप का पिक्सल ऐसे भी अभी है जिसमें हम लोग डिवाइस स्पेसिफिक भी करके उस पिक्सल को बड़ा करने या छोटा करने का जो काम है वो भी कर सकते हैं। मतलब इसमें नेम में अगर आपने व्यूपोर्ट की जगह कुछ और लिखा होता जैसे डीप आप जो बोले डीपीएक्स आप बोले ना, नहीं वो तो अलग चीज है, वो तो जब हम लोग सीएसएस में लिखेगा तब। ओके जी, ये वाला पार्ट स्टेप है कि हम लोगों का जो टेक्स्ट साइज होना है वो मतलब स्क्रीन साइज से स्क्रीन साइज जब छोटा हो रहा है तब ये छोटा ना हो, इसी को सही रखने के लिए ये वाला पार्ट ये वाला लाइन को यूज करना पड़ता है, क्योंकि ये अगर छोटा हो जाता है तो क्या होता है देखिए यहाँ पे आपका जैसे ही आप छोटा कर देते हो मतलब यहाँ पे देखिए ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, अभी इसको सिग्निफाई कर रहा हूँ तो ये एक्चुअली कुछ समझ नहीं पा रहा है कि एक्चुअली कौन सी साइज सही है, ठीक है। अभी ये बड़ा करते जा रहा है बट इतना भी बड़ा था नहीं, इसका एक्चुअली जितना था इतना ही होना था, ठीक है। बट मैंने जब इसको लिया अभी इसके साथ ये छोटा होता जा रहा है। ओके, तो
यहाँ से क्या होता है, इस तरीके से हम लोगों का कभी कभी आप देखोगे बहुत सारा पुराना जो साइट होता है उस साइट का क्या होता है, मोबाइल जब उसको ओपन किया जाता है तब वो मोबाइल में छोटा होकर दिखता है, जो टेक्स्ट पढ़ाई मतलब पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए ये जो टैग है, इस टैग को जब भी ये सेट कर देंगे तो तुरंत क्या होगा, ये टेक्स्ट बड़ा होकर थोड़ा सा स्पेस बड़ा कर लेगा, ठीक है। और स्पेस जब भी बड़ा कर लेगा तो वो रीडेबल मोड पे आ जाएगा, और जब भी वो टेक्स्ट रीडेबल मोड पे आ जाएगा तब उसका जो डिजिटल है वो पूरा ब्रेक होता है, ब्रेक करना शुरू कर देता है, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस लेवल में वो काम पे लगता है। तो इसके ये वाला पार्ट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन के लिए है। इसके अलावा भी बहुत सारे टैग्स है, जैसे कि ये एक HTTP इक्विवेलेंट जो टैग है, ये एक्चुअली इंटरनेट एक्सप्लोरर और एज का कॉम्पेटेबिलिटी दिखा रहा है। इस इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए ये एक्चुअली मेनली यूज होता है, क्योंकि एज में HTML5 का जितने भी टैग्स है ये सारा सपोर्ट करता है, क्योंकि HTML5 का एज का कॉम्पेटेबिलिटी पूरा है। लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर के पास तो है नहीं, लेकिन जिसके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है उसको क्या होगा, मॉडर्न वेबसाइट अगर डिजाइन होता है तो वो ब्रेक कर देगा। तो इसीलिए क्या है, आई इक्वल टू एज, मतलब अगर आपके पास आई है मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो उस टाइम पे ये एक्चुअली ढूंढेगा कि एज का परमिशंस कहाँ पे है, उसी सर्वर से तो इस जो नया जो HTML5 का जो सिंटेक्स है उसको डाउनलोड करके वो अपना जो HTML सिंटेक्स है उस ब्राउजर में लोड करेगा या रेंडर करेगा। तो उसके लिए ये वाला लाइन अप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद मेटा जो टैग है, बहुत सारा मेटा टैग है, जैसे कि यहाँ पे ऑथर नेम यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे नेम ऑथर जो है बेसिकली हम लोग जब साइट लॉन्च करते तो ये ऑथर जो है बेसिकली इसको पता चलता है कि इस साइट का डेवलपर क्या है या इस साइट का ओनर कौन है, तो उसका नेम यहाँ पे डाल के देखे। तो ये मेनली सर्च इंजन के लिए हेल्प करता है कि सर्च इंजन को पता चलता है कि इस साइट का ओनर, ये इस साइट का ऑथर जो है ये है। ऐसे ही हम लोगों का जो टाइटल टैग है, टाइटल टैग तो एक है सर्च इंजन में लिंक करने के लिए, जो ब्लू कलर का जो हाईलाइटेड जो नेम रहता है पेज का तो वो टाइटल टैग से आता है। और उसके बाद एक टैग आता है कीवर्ड, मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा कीवर्ड। मेटा कीवर्ड अब आज के डेट में उतना चलता नहीं है, तब पर भी कहीं कुछ चलता रहता है। तो मेटा कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन और टाइटल, ये तीनों चीज़, और इसके अलावा भी बहुत सारा मेटा टैग होता है। ये एक्चुअली सारा जो मेटा टैग है ये मेटा टैग सिस्टम के लिए नहीं, ये मेटा टैग बेसिकली सर्च इंजन के लिए यूज होता है। जो पार्ट हेड में रहता है, और हेड में रहने का जो चीज़ है वो बेसिकली पेज के ऊपर दिखता नहीं है, जो आउटपुट में हम लोग दिखाना चाहते हैं उसमें हम लोगों का ये आउटपुट में आता नहीं है ये सारा चीज़। ओके, बट जो भी चीज हम लोग बॉडी के अंदर लिखेंगे वो सारा चीज हम लोगों को इस वाइट ऑप्शंस में दी जाएगा, ठीक है। ओके चीज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो सारा चीज यहाँ पे हम लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। अभी ठीक हम लोगों का जब भी हम लोग वेबसाइट डिजाइनिंग करना स्टार्ट करेंगे तो कुछ बेसिक सिंटैक्सेस रहता है, उसको हम लोग को जानना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। तो पहला, एक क्वेश्चन यहाँ पर है मेरा। हाँ बताइए। अभी आपने जैसे हेडर का डाला था, तो जैसे एनी कस्टम मतलब ये जो मेटा डेटा है इस ये अबाउट द कंटेंट अबाउट द वेबसाइट भी हो सकती है। जैसे सपोज कोई वेबसाइट है जिसपे कोई स्पेसिफिक कंटेंट अवेलेबल है, तो ये क्या ये कीवर्ड्स जो है वो गूगल सर्च में ऑटोमेटिकली इस कंटेंट को भेजते हैं, तो इससे वो वेबसाइट जल्दी आती है सर्चेस पे। एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम लोगों के साइट पे गूगल मतलब बेसिकली क्या करता है, गूगल दो तरीके से काम करता है। गूगल को बेसिकली आपका जो साइट है लॉन्च हुआ है, आपको पहला काम है कि गूगल को बताना, आपको पहले बताना पड़ेगा गूगल को कि मेरा नया साइट है लॉन्च हुआ है,
ठीक है, अगर आप नहीं बताओगे तो आपका साइट सालों साल लाइव होकर रहेगा बट गूगल में लिस्ट नहीं होने वाला, सालों साल रह जाएगा। आप जितनी भी काम कर लो ओके आपका वो साइट गूगल सर्च इंजन में आएगा नहीं, क्योंकि गूगल सर्च इंजन को पता ही नहीं है कि आपका कुछ साइट है इस नाम का। ओके क्योंकि तो मैंने इसलिए जो अच्छा इसलिए पहला चीज यही है कि गूगल को जब भी आपका साइट लॉन्च होता है उसको पहले ही इन्फॉर्म कर देना है कि मेरा कोई साइट लॉन्च हुआ है, और उसके लिए एक गूगल का एक साइट, गूगल का एक साइट है, नॉट ओनली गूगल, गूगल बींग याहू जितने भी सर्च इंजन है, जिस जिस सर्च इंजन में आपका ऑडियंस हो सकता है, आपके ट्रैफिक आ सकता है, वो सारे सर्च इंजन और उस सारे पोर्टल में जाके आपको पहले डायरेक्टरी सबमिशन करना पड़ता है। डायरेक्टरी सबमिशन मीन्स आपको बताना पड़ता है कि आपके इस पर्टिकुलर डोमेन नेम पे आपका कोई साइट है, वो पहले आपको डालना पड़ता है, जैसे कि shivajidevanna.com, ठीक है, वो मुझे जाके गूगल को बताना पड़ा कि गूगल में shivajidevanna.com बोलकर कोई साइट है, ठीक है। मैंने सिर्फ पहला जो साइट का पेज है वो मैंने दे दिया था, लेकिन index.html index.html मतलब मेरा मेन जो डोमेन नेम है shivajidevanna.com, उस डोमेन नेम पे जो साइट है वो मैंने डाल दिया था, लेकिन उसके बाद मुझे उसके बाद मुझे दूसरा साइट का जो पेजेस है वो मुझे सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ा, वो गूगल खुद ब खुद ले लिया, ठीक है। तो मैंने एक पेज को मैंने लिंक किया, उसके बाद गूगल का आगे का काम रहा कि गूगल को पता करना है और गूगल को समझना है कि कौन सी साइट को किस डायरेक्टरी में किस कीवर्ड में किस पर्पस के लिए गूगल में लिस्ट करना है, वो गूगल को खुद ब खुद पता कर लेना है, और उसको पता कराने के लिए, उसको समझाने के लिए ये जो कीवर्ड्स होता है, ये जो डिस्क्रिप्शन होता है, या जो टाइटल होता है, ये बेसिकली मेन काम करता है, ओके ठीक है। उसके साथ साथ प्रोसीड्योर होता है जो मेनली कंटेंट का डेप्थ थोड़ा सा चेक करता है कि कंटेंट डेंसिटी कितना है, टाइटल में जो नेम या जो भी दिख रहा है उसका एक्चुअली कंटेंट डेंसिटी क्या है, उसके बाद कीवर्ड्स जो चॉइस कर दे रहे हैं उस पर्टिकुलर कीवर्ड कितना आपके पेज में है, उसके बाद आपके साइट में अगर कोई आ रहा है विजिट कर रहा है तो वो कितना देर तक आपके साइट पे स्टे कर रहा है, ये सारा चीज़ गूगल मॉनिटर करके आपको रैंक प्रोवाइड करता है, वो गूगल का काम है, और उसका भी काम बहुत ही अलग, वो बेसिकली डिजिटल मार्केटर जो लोग होते वो लोग उनके ऊपर काम करते ज़्यादातर, बट वो भी काम वेबसाइट डिजाइनिंग के थ्रू से ही आता है। अगर आपको वेबसाइट डिजाइनिंग नहीं आता है तो आप ये काम नहीं कर सकते, डिजिटल मार्केटिंग का काम भी नहीं कर सकते, ठीक है। और कुछ नहीं, अब तक का तो नहीं, अब तक क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ पे जो टैग वाला जो फॉर्मेट है या टैग वाला जो पोजीशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे बॉडी वाला जो टैग है, यहाँ पे बॉडी में मैंने एक नोट्स बोलकर एक टेक्स्ट क्रिएट करता हूँ, नोट्स यहाँ पे मैंने नोट्स क्रिएट करता हूँ, जिस नोट्स पे मैंने रखता हूँ कुछ बेसिक HTML बेसिक HTML सिंटैक्सेस, बेसिक HTML सिंटैक्सेस जिसमें आपको H1 टू H6 तक आपको सिंटैक्स दिखेगा, पैराग्राफ सिंटैक्स दिखेगा, उसके बाद आपको दिखेगा कि उसके बाद दिखेगा UL, उसके बाद दिखेगा LI, उसके बाद OL, LI, उसके बाद आपको दिखेगा डीप, उसके बाद ये टेबल PR, उसके अंदर TD, उसके बाद आपको दिखेगा
फॉर्म टैग, उसके अंदर आपको इनपुट, ऐसा कुछ टैग्स है जो बेसिकली बहुत ही ज्यादा यूज होता है। मतलब मैंने यहाँ पे जितने भी टैग्स लिखा है, इससे ज्यादा टैग तो मैं यूज करता भी नहीं हूँ। मैं क्या, बहुत सारा जो वेबसाइट डिजाइनर है, जितनी भी वेबसाइट डिजाइनर है, इतना ही टैग्स ज्यादातर यूज होता है। और यूज होता है बियर्ड, फीचर, इमेज, और क्या, बहुत ही रेयर यूज होता है टी कोड, टीबीडी, ऐसे होता है, बट बहुत ही रेयर। ठीक अच्छा है, तो बेसिकली इतना तक तो है यूज होता है, बट उसके बाद में बहुत सारा होता है, बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का टैग्स है। चाहे तो आप यूज कर सकते हो, चाहे तो नहीं यूज करो तो कोई, बट ये जो टैग्स है, ये टैग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टैग्स है। और ये जो टैग्स है चला, ये टैग्स आपको काफी अच्छे तरीके से समझना पड़ता है, देखना पड़ता है। ठीक ओके है, जब आप इसको समझोगे या दिखाएंगे, तब आपको वेबसाइट डिजाइनिंग का ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है। आज का क्लास इतना ही तक रखते हैं, ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे कि इस को यूज करके कैसे हम लोग अपना स्टाइल सीएसएस अप्लाई करेंगे। तो ओके आप, आज का काम आपका है, आज का काम आपको होम टास्क मिलता है, थोड़ा सा होम टास्क है, थोड़ा सा होम टास्क है। होम टास्क क्या है, होम टास्क ये है कि आपको ये जो HTML का जो W3 स्कूल से, यहाँ से थोड़ा सा पढ़ना है। ओके ना आप पढ़ सकते हो, तो अगर जितना बोलूँगा तो थोड़ा सा मुश्किल है, आप स्टाइल्स तक पढ़ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपका संडे रहने वाला है, उसके पहले आप स्टाइल्स तक एटलीस्ट पढ़ लीजिए, उसके आगे भी जा सकते हो तो अच्छा है, दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छा है, नहीं अगर थोड़ा सा भी ऐसे ही पढ़ लिया तो ठीक है, बट मैं बोलूँगा थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अगर कुछ क्वेश्चंस होगा तो मुझे सॉल्व करने में अच्छा लगेगा। ओके अगर आपके पास क्वेश्चंस नहीं होगा तो आप सीख नहीं पाएंगे। ओके